What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 26 फरवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं। आज का भी वीडियो थोड़ा सा लेट आ सकता है। हमने दो दिन देखा, इस वीक के शुरुआती दो दिन जबरदस्त निफ्टी में प्रेशर देखने को मिला। हालांकि ये प्रेशर ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं, कोरोना वायरस ने चाइना में अटैक कर दिया था तो वहाँ पर कई सारे शहर बंद हुए थे, तो इसका सीधा असर दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर गिरेगा। अभी ये वायरस यूरोप तक पहुंच गया है ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका असर टूरिज्म पे भी गिरेगा। टूरिज्म अगर हिट होता है तो उसके साथ कई सारे छोटे बिजनेस भी काफ़ी इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी असर गिरेगा इसका। तो कल भी डाओ देखे तो करीब करीब 800 पॉइंट की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। तो इस वायरस अटैक के वजह से काफ़ी दुनिया भर में टेंशन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 25 फरवरी आफ्टर मार्केट RCI पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,868 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,812। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी एग्जैक्ट हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर कुछ समय काफ़ी देर इस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा था। शुरू में 10 मिनट के बाद इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया और हाई एग्जैक्ट 11,883 जो कि हमारे फर्स्ट टारगेट के पास था, इसने ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव किया था। और फिर इसके बाद ये काफ़ी देर तक इस रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, ऊपर ब्रेकआउट लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे ब्रेकडाउन लेवल का सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। कई सारे आप देख सकते हैं, कई सारे वक्त यहाँ पर ये इस लेवल के बीच में ही ट्रेड हो रहा था और जैसे इसने इसको ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट 11,788 ये यहाँ पर अचीव हुआ और क्लोज भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट करके लेवल साबित हुए। काफ़ी स्लगिश मार्केट था कल में और कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल भी अगर US मार्केट देखे तो नासडैक में 255 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी प्रेशर के साथ बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 81 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स 248 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में हल्का सा अभी यहाँ पर एक बढ़त देखने को मिल रही है 3 पॉइंट की। डाउ फ्यूचर देखे तो 148 पॉइंट की रिकवरी अभी इस समय दिखा रहा है। कल भी डाउ फ्यूचर रिकवरी दिखा रहा था लेकिन रात को जब US मार्केट ओपन हुए तो फिर से एक बार वहाँ पर दबाव देखने को मिला था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से पहले एक बार मंथली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। हम हर महीने के शुरुआती दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग हम मंथली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। ये ऊपर प्राइस एक्शन है और नीचे RSI को हमने प्लॉट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू अप ट्रेंड है, यानी ये 20, 50, 100 के जो मूविंग एवरेजेस है शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। लेकिन 2020 चल रहा है इस रेंज में ये ऑलमोस्ट सिर्फ 1500 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। हालांकि इसके पहले 2016 और 2017 दो साल में करीब 3000 पॉइंट्स की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी। अभी भी ये 20 EMA को इसने 2016 के बाद ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है और 2016 में भी इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। तो अभी अगर ये नीचे भी आता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ पर 11,370 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये अप ट्रेंड में ही है निफ्टी इंडेक्स, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में अभी भी ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेज इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे यहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था
तो यहाँ पर ऊपर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे थे, तो RSI में भी हायर हाइज बन रहे थे, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन 2018 के बाद ये जो यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा है, लेकिन RSI में ये लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में नए हाइज बन रहे, लेकिन RSI में लोअर हाइज क्रिएट हो रहे, तो यहाँ पर ये जो बुल्स का स्ट्रेंथ है ये यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक नए लेवल पे ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन दिखा रहा है ज़बरदस्त, और फिर से 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ रहा है। यानी यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ है वो कम है कंपेयर टू बेयर्स। तो अगर 20 EMA जब तक इंटैक्ट है इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है। तो बॉटम फिशिंग के लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर चांस है, जो इन्वेस्ट करते हैं SIP करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। करेक्ट हो रहा है मार्केट तो डिस्काउंट प्राइस पे अभी हर एक शेयर आपको मिल सकता है। तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जहाँ पर बजट के बाद जहाँ पर ये बाउंस बैक हुआ था 11,600 के पास, तो यहाँ पर जैसे मंथली चार्ट में देखा 11,370 के पास सपोर्ट है, उससे पहले वीकली चार्ट में ये जो 50 EMA का लाइन है ये अराउंड 11,600 के पास आ रहा है, जहाँ पर इसने बाउंस बैक दिखाया था कुछ दो वीक पहले। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऊपर जाते वक्त इसे 20 EMA को ब्रेक करना होगा। अभी फिर से इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, अभी भी 3 सेशंस बाकी है इस वीक ख़त्म होने में। अभी ये वीकली चार्ट, ये कैंडल वीकली चार्ट में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन का ये कैंडल बता रहा है। तो यहाँ पर 11,600 काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी ये जो 20 और 50 शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, यानी ट्रेंड यहाँ पर क्लियरली अभी डाउन ट्रेंड का है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और इसे अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो कल भी हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड का हमें ये पैटर्न दिखा रहा है, और इसका नेक लाइन का भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया था, तो हमें यहाँ से ज़बरदस्त और भी फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एज पर डेली चार्ट ये 11,760 का होगा, और उसके बाद 11,600 का होगा। ऊपर आते वक्त इसे फर्स्ट हर्डल ये 100 EMA का होगा, जो कि 11,900 के पास है, जहाँ पर कई दिन ये एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था पास्ट में 11,900। तो ये अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये है डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो कल भी आप देख सकते हैं 100 के लेवल के पास यानी 11,800 के पास ये काफ़ी देर तक एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, और ये ब्रेक होने के बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट उसके बाद अचीव हुआ था। तो फर्स्ट टारगेट जब अचीव हुआ था तभी इसका ये जो प्रीवियस गैप ओपन हुआ था, यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ था, तो इसका इनिशियल पॉइंट के पास इसने कल सपोर्ट टेस्ट किया। तो अगर आज मार्केट जैसे कि एशियाई बाजार का हम सीनारियो अभी देख रहे हैं, तो अगर ये कल के लो के नीचे अगर ओपन होता है यानी 11,779 के नीचे अगर ये ओपन होता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,757, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये जो गैप यहाँ से क्रिएट हुआ था 11,742, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है, तो S1 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इसके नीचे सस्टेन होने दीजिए निफ्टी इंडेक्स को, तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है यानी 11,820 का ये जो लेवल है इसके ऊपर इसे सस्टेन होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,836, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,860, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इसी यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।